हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज एक्चुअली हम करते क्यों हैं, ये जानकारी शायद कुछ लोगों को नहीं होगी, तो उनके लिए बता दूं। मेल मर्ज जैसे एक ही लेटर काफी लोगों को सेंड करना है और एड्रेस अलग अलग हो, तो उन अलग अलग एड्रेसेस पर सेम लेटर, एक ही जैसे कंटेंट वाले लेटर्स जो है वो भेजने हो, तो हम मेल मर्ज का यूज करके, यानी हमें ड्राफ्ट एक करना होगा और एक ड्राफ्ट करके और हम उस लेटर को कई लोगों को भेज सकते हैं, सेम लेटर। उसमें हमें करना क्या होता है कि एक हम लेटर ड्राफ्ट करते हैं और एक एड्रेस की लिस्ट ड्राफ्ट करते हैं और दोनों को हम मर्ज करते हैं, यानी एक में मिलाते हैं। उसके बाद फिर उसको हम चाहे जैसे भी प्रिंट निकालना हो या डायरेक्ट मेल करना हो, वो हम कर सकते हैं। वो मल्टीपल लेटर्स एड्रेस के अकॉर्डिंग अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले दो फाइल्स तैयार करने होते हैं। सबसे पहले एक तो लेटर की फाइल तैयार करनी होती है और एक एड्रेस लिस्ट की फाइल तैयार करनी होती है। मैंने दोनों फाइल तैयार कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ये एक लेटर की फाइल हो रखी है, लेटर मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट कर रखा है और दूसरा मैंने ये एड्रेस लिस्ट तैयार कर रखा है। इसमें मैंने थोड़े से लिए हैं, हम मल्टीपल एड्रेसेस यानी हजारों हजार एड्रेसेस भी ले सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल, हमें सिर्फ डेमो शो करना है, इसके लिए हमने थोड़े से एड्रेसेस लिए हैं। तो इस फाइल का हमें अभी जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज और भी है, मैं बता दूं, इसमें जो एड्रेस हम लिखते हैं, एड्रेस को दो या तीन पार्ट में करना चाहिए। कारण ये होगा कि अगर किसी का एड्रेस बहुत लंबा होगा तो जब वो मर्ज होगा वो एड्रेस काफी लंबा जाएगा और एक ही लाइन में वो सेट होना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम एड्रेस को दो या तीन में, मैंने यहाँ पे दो पार्ट में लिया है, एड्रेस वन एंड एड्रेस टू करके दो अलग अलग पार्ट में मैंने कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारा आसानी से सेट हो जाएगा। तो हम इसको बंद कर देते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं कि मेल मर्ज करेंगे कैसे। आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं तो ये बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये लाइक या डिसलाइक, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल एंड लिंक्डइन अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लेटर तैयार कर रखा है, तो यहाँ पे हमें ये हटा देते हैं, इस जगह हमें मेल मर्ज करने के बाद नाम आ जाएगा, ये इसके ऊपर पूरा एड्रेस आएगा। आप चाहें तो इसमें सबसे ऊपर डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं या जिस भी डेट का आपको डेट इंसर्ट करना हो, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो बिना डेट के भी आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस आपका आएगा, एक लाइन का पहले से गैप, यानी आपका जो लेटर है वो पहले से ड्राफ्टेड हो और फिर उसके बाद वो एड्रेस वाली फाइल को इसमें आप मर्ज करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं लेटर ऑलरेडी ड्राफ्टेड है, सेट है। अब इसको हम मेल मर्ज करना शुरू करेंगे। एड्रेस की लिस्ट भी हमने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। अभी हम जाते हैं मेलिंग्स में। यहाँ पे आप देखेंगे मेलिंग्स के अंदर में एड्रेस की फाइल को मर्ज करने का ऑप्शन होता है, यानी मेल मर्ज का ऑप्शन जो है मेलिंग्स मेन्यू के अंदर में मिलेगा। ये है स्टार्ट मेल मर्ज, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब ये है, इनमें से चूज करना है लिस्ट की है क्या, लेटर्स मेल कर रहे हैं, ईमेल मैसेजेस कर रहे हैं या एनवेलप्स कर रहे हैं, लेबल्स कर रहे हैं, क्या सेज कर रहे हैं। तो हम लेटर्स को मर्ज कर रहे हैं, ईमेल्स की करनी है तो ईमेल्स यहाँ पे कर सकते हैं, हमें लेटर्स करनी है, लेटर्स हो गया सेलेक्ट। इसके बाद फिर यहाँ से है दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट रिसिपिएंट लिस्ट, यानी कि हमें कौन कौन एड्रेसेस की लिस्ट हमें सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, रिसिपिएंट्स यानी कि जो लेटर रिसीव करने वाले होंगे। इसमें भी तीन ऑप्शंस है, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। सो इसमें कोई भी चूज कर सकते हैं। एक नया लिस्ट बनाने के लिए ये है, यानी कि अभी ही आपको एक नए एड्रेसेस की लिस्ट तैयार करनी होगी। अगर आपने पहले से तैयार कर रखा है तो ये वाले ऑप्शन यूज करेंगे। अगर आप आउटलुक यूज करते हैं और आउटलुक से एड्रेसेस इंपोर्ट करना चाहते हैं इसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एड्रेस है तो हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे हमें वो फाइल चूज करना है, हमने वो फाइल एड्रेस लिस्ट के नाम से चूज करा था, ये चूज हो गया ओपन। अभी आप देख सकते हैं इसमें एक ही सीट है और हमने इसको ओके कर दिया। बहुत सारे सीट्स भी होते हैं एक्सेल वर्क बुक में, वो आप उनको पता है कि दूसरे या तीसरे वर्क सीट में आपने एड्रेस टाइप किया हो तो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। सीट वन में मेरा एड्रेस था इसलिए मैंने उसमें कर लिया। अगला ऑप्शन चूज करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, यानी हमें मर्ज फील्ड्स को इंसर्ट करना है। तो पहला हमारा होता है नेम, नेम हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एंटर प्रेस करके न्यू लाइन पे चले जाएंगे, आगे न्यू लाइन पे वापस हम जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे, अगला चूज करेंगे एड्रेस वन, फिर एंटर करके हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे एंड देन वापस इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके दूसरा एड्रेस लाइन। इस तरह से जितने भी आपके फील्ड्स हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे बारी बारी से। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर लिखा हुआ है, इसके आगे सर मैडम या कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे डायरेक्टली हमने इसलिए ड्राफ्ट किया है, यहाँ पे डायरेक्ट हम पर्सन का नाम डालेंगे,
दो पर्सन का नाम भी हम ये मर्ज लिस्ट से ही लेंगे, तो यहाँ से हम नेम वापस सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो नाम हमने डाला है वो नाम यहाँ पे भी आ जाएगा। इस तरह से उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से ये लेटर तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ पे हमें शो करने के लिए है, एक एक करके हम शो कर सकते हैं, और दूसरा है फिनिश एंड मर्ज। यहाँ पे हम क्लिक करके इसको फिनिश कर लेंगे। ऑप्शन तीन है इसमें, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट या सेंड ईमेल मैसेज। अभी हमें करना क्या है, एडिट इंडिविजुअल यानी एक एक फाइल यहाँ पे खुलता जाएगा, एक एक एड्रेस लिस्ट आते जाएगी, नाम आते जाएगा, उसमें हम चेंज करना चाहते हैं कुछ, अलग अलग हिसाब से अपना ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और हम सभी को एक ही साथ प्रिंट में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्रिंट डॉक्यूमेंट कर लेंगे, या फिर मेल सेंड करना है तो हाँ, इसके लिए ये मेल सेंड के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आउटलुक आपका ऑलरेडी सेट होना चाहिए। अगर आप यहीं पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ये आपके वर्ड में ही आपका सारा ये शो कर दिया। ये आप देख सकते हैं, ये जितने हमने एड्रेस डाले थे उसके हिसाब से ये लेटर तैयार हो गया। अब इसको आप चाहे प्रिंट करें या इसमें इंडिविजुअली एडिट करके आप इसमें कुछ चेंज करके आप तब इसको प्रिंट करना चाहते हैं, या अटैच करके मेल करना चाहते हैं, या जैसे भी करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला होता है, स्पेशली कॉमन लेटर्स डिस्पैच करना हो ऐसे सिचुएशन में। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।